दलहनी फसलों में चना एक प्रमुख फसल है। फली छेदक एक प्रमुख कीट है जिसको हम रैम पॉड बोरर भी कहा जाता है। इस कीट का वयस्क अवस्था करीब करीब 700 से 900 अंडे को पत्ती, फूल और पलियों पर देती है। अंडे से बाहर आने के बाद सुंडिया प्राथमिक अवस्था में पत्तियों का खा जाता है। बड़े होने पर सुंडिया फलियों को खा जाता है। और इस कीट का हानि का लक्षण विभिन्न तरह है, जैसे कि सुंडिया का आधा शरीर फलियों का अंदर रहता है और शेष भाग बाहर रहता है। और इस सुंडियों का रंग कई तरह का होता है, जैसे कि हरे रंग से लेकर भूरे रंग तक। इस फली छेदक कीट से अलावा एक और प्रमुख कीट है, वो है स्पोडोप्टेरा एक्सिगुआ एवं बीट आर्मीवर्म। इस कीट का वयस्क अवस्था अंडे को पत्तियों के नीचे गुच्छे में देते हैं। शुरुआत में सुंडिया पत्तों को खाकर पेपर जैसा बना लेती है। बड़े होने पर सुंडिया फली और फूल को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इन बताए गए प्रमुख कीटों का नियंत्रण के लिए हम एकीकृत कीट प्रबंधन करना जरूरी है। इसमें पहले है कि चने के कटाई के उपरांत गहरी जुताई करना है, जिससे कीट का कोष अवस्था नष्ट होगा। और दूसरा, चने का बुवाई समय पर करना चाहिए और कीट प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। बुवाई करते समय चने के साथ 50 ग्राम रबी जोवर या सूरजमुखी का बुवाई करना चाहिए, जिससे ये जो सूरजमुखी और रबी जोवर पक्षी को बैठने के लिए जगह दे देंगे और पक्षियों कीटों को खा जाते हैं। और ये जो कीटों का निगरानी के लिए हम फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि एक एकड़ में 5 का हिसाब से इसको फेरोमोन ट्रैप्स को लगाना चाहिए। जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट अथवा अजाडिरक्टिन 300 ppm 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। साथ में और जैविक कीटनाशकों जैसा HANPV, SCNPV 500 ले प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और अंत में जरूरी पड़ेगा तो CIBSC सिफारिश किए जाए रासायनिक कीटनाशकों, जैसा कि क्लोरांट्रिनिप्रोल 18.5 SC 5 ml अथवा एमामेक्टिन बेंजोएट 5 SC 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।